हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी जूलॉजी लर्निंग क्लासेस। आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है नंबर 4 को डील कर रहे हैं हम, यानी कि ऑरेलिया के बारे में, ऑरेलिया का लाइफ स्ट्रक्चर और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता चुके थे कि कैसे स्टार्टिंग करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और देन फिर हम उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और भी जो चीज़ है उस चीज़ को डील करेंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ऑरेलिया का इंट्रोडक्शन जो है, इट इज़ कॉमनली नोन एज जेली फिश और मून जेली ड्यू टू सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इट्स बॉडी मेड अप ऑफ ए जेल लाइक सब्सटेंस। कहता है कि इंट्रोडक्शन में कि इसको जो कॉमनली जो जाना जाता है उसको कहते हैं हम लोग जेली फिश या फिर मून जेली के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा इसलिए जाना जाता है, यानी कि जेली फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो है सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि जैसे एलोवेरा का स्ट्रक्चर जो होता है जो हम लोग देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऑरेलिया का भी देखने को मिलेगा। इसलिए इसको जेली फिश या फिर मून जेली भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑरेलिया और कॉस्मोपॉलिटन बट अबंडेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या, पॉलिटन मतलब कि रहने का जगह, और कॉस्मो जो हो गया यानी कि वैसा जो कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, वैसा एरिया, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। यानी कि ऑरेलिया जो है वो है हमारा क्या है, कॉस्मोपॉलिटन होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाया जाएगा। आगे है इसका हैबिट। हैबिट है इट इज़ नाइडेरियन और सेलेंटेटा, यानी कि इसका फैलम क्या हो गया हमारा, नाइडेरियन और सेलेंटेटा। इट इज़ नोन एज मेडुस्वाइड ऑर्गेनिज्म। इसका इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो मेडुस्वाइड है, क्योंकि इसमें मेडुसा जो है वो स्वाइड स्ट्रक्चर जो हम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे है हैबिटेट। इट इज़ फाउंड इन सी वाटर एज सोलिटरी और कॉलोनियल। यहाँ पर दो टर्म है, पहला सोलिटरी, दूसरा है कॉलोनियल। सोलिटरी मतलब अकेला, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में, यानी कि ऑरेलिया जब भी हमको देखने को मिलेगा वो सी वाटर में मिलेगा देखने को, या फिर वो सोलिटरी में भी मिल सकता है या फिर कॉलोनियल में भी पाया जा सकता है। आगे है सेप। इसका शेप कैसा होगा, सॉकर, कप और अम्ब्रेला शेप, यानी कि जिस तरह से अम्ब्रेला हम लोगों को देखने को मिलता है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। तो आगे है इसका फिर साइज। इसका साइज जो होगा वो 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में भी पाया जा सकता है ये। आगे है कलर। बॉडी इज़ व्हाइटिश ब्लू एंड इट्स गोनाड्स आर रेडिश और पिंकिश इन कलर, यानी कि इसका में जो है दो कलर का देखने को मिलता है। बॉडी जो है वो व्हाइटिश ब्लू में पाया जाएगा और इसका जो गोनाड्स होगा यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होगा वो रेडिश और पिंकिश कलर मिलता है। सिस्टमैटिक पोजिशन, तो सिस्टमैटिक पोजिशन में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बेस्ट, यानी कि याद रखने का, तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस एंड देन लास्ट स्पेसीज, ये सबसे मोस्ट और कॉमन होता है जो कि इस चीज़ को लिखना, सिस्टमैटिक पोजिशंस। फाइलम हो गया हमारा सेलेंटेटा, या फिर हम इसमें नाइडेरियन भी लिख सकते हैं। क्लास हो गया स्कैफोजोआ, ऑर्डर सेमियोस्टोमी, जीनस ऑरेलिया एंड स्पेसीज ऑरिटा। आगे स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। इट इज़ ईजली रिकोगनाइज्ड बाय अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी, यानी कि हम बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं ऑरेलिया को, कैसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होगा बॉडी का वो अम्ब्रेला शेप्ड में देखने को मिलेगा। द सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज ब्रोकन इन 8 नोचेस, 4 ऑफ विच आर पर रेडियल एंड द अदर 4 इंटर रेडियल। कहता है कि सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो सर्कुलर मार्जिन है वो हमारा 8 नोचेज में, यानी कि एक 8 तरह का जो स्ट्रक्चर्स होगा जो वो धारी नुमा जो रहेगा वो लटका हुआ रहेगा देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4 जो है वो पर रेडियल्स में मिलेगा देखने को और 4 जो है इंटर रेडियल। ये जब हम आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि पर रेडियल और इंटर रेडियल्स क्या होता है। इन ईच ऑफ विच लाइज अ पेयर ऑफ डेलिकेट प्रोसेस, और इन सब में जितना भी नोचेज है इन सब में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू होता है उसको हम लोग कहते हैं द मार्जिनल लैपेट। यानी कि इसमें ऑरेलिया में जितना भी स्ट्रक्चर्स जो होगा वो सारा जो फंक्शंस को जो होना है वो जिस भी चीज़ के थ्रू होगा, क्योंकि हर बॉडीज में एक अपना एक सिस्टम्स होता है जिसके थ्रू वो अपना फंक्शंस को करता है, चाहे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो, तो वो सब जिससे भी होगा वो किसके थ्रू होगा, तो मार्जिनल लैपेट के थ्रू होगा। नेक्स्ट है बिटवीन द पेयर ऑफ लैपेट द एज ऑफ द अम्ब्रेला इज फ्रिंज्ड बाय न्यूमरस क्लोज मार्जिनल टेंटिकल्स। कहता है कि दो मार्जिनल लैपेट के बीच में एक फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक नहीं मीन्स न्यूमरस जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स।
इट्स अ सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट्स ए कॉन्वेक्स एबोरल और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस एंड ए कॉनकेव ओरल और सब अम्ब्रेलर सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर बॉडी जो हम लोग आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर से देखते हैं वो देखने में कैसा दिखेगा, तो कॉन्वेक्स एबोरल इसका दूसरा नेम जो है कह सकते हैं हम लोग एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। और इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा, तो कॉनकेव ओरल या फिर उसको सब अम्ब्रेलर सरफेस भी कह सकते हैं। तो फिर अब चलते हैं आगे। फिर मार्जिन ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस बियरिंग लैपेट्स एंड टेंटिकल्स, यानी कि सब अम्ब्रेलर सरफेस जो है वो दो चीज़ को कंटेन करेगा जिसको कि हम कह सकते हैं लैपेट्स एंड टेंटिकल्स, ये दो चीज़ जो है इसके अंदर आएगा। फॉर्म से थीन एंड फ्लेक्सिबल फ्लैप, और ये दोनों जब मिले के जो बनाएगा जो स्ट्रक्चर्स उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलेरियम या फिर सीडो वेलियम। नाम से ही पता चल रहा है सीडो मतलब फॉल्स फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो बहुत ही आसानी से मूवेबल हो, जो जिस तरह से टर्न होना चाहेगा वो उस तरह से टर्न होकर कि वो अपने स्ट्रक्चर्स को मूव कर सकता है, ताकि इससे ये क्या होगा कि मूवमेंट में उसको हेल्प मिलेगा। इन द सेंटर ऑफ द लोअर और सब अम्ब्रेलर सरफेस हैंग्स डाउन ऑन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड इनकॉन्सिस्पिशियस मैनुब्रियम, कहता है इन द सेंटर ऑफ लोअर और सब, कहता है सब अम्ब्रेलर का जो लोअर सरफेस है उसमें ये जो है बहुत ही शॉर्ट जो है वो टंगा हुआ लाइक रहता है, देखने में दिखने को मिलेगा। एंड इनकॉन्सिस्पिशियस मैनुब्रियम यानी कि वह जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स जो हैंगिंग ऑन लाइफ स्ट्रक्चर जो देखने को जो मिलेगा वो कैसा होगा, मैनुब्रियम उसको कहेंगे हम। एट इट्स फ्री डिस्टल एंड फोर साइडेड अपर्चर्स, कहता है कि जब हम इसका फ्री डिस्टल एंड यानी कि नीचे की ओर जब देखेंगे एंड में, तो चार जो है एक अपर्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। द माउथ इज प्रेजेंट, और उसमें क्या होगा कि माउथ प्रेजेंट होगा। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द माउथ अ लॉन्ग टैपरिंग एंड डेलिकेट प्रोसेस द ओरल आर्म इज हैंगिंग डाउन, यानी कि जो माउथ है हमारा उसका जो जितना भी जो एंड है यानी कि फोर्थ एंड जो है उसका जो कॉर्नर होगा उसमें से क्या होगा कि एक डेलिकेट प्रोसेस हम जो हम लोग को लंबा जो दिख रहा है वो देखने को मिल रहा है, जिसका कि नाम है हमारा ओरल आर्म। वो जो है वो भी क्या होगा हमारा हैंगिंग डाउन, यानी कि माउथ से टच होकर या उसी से वो अटैच होकर के रहेगा और वो हैंगिंग रहेगा। तो अब हम स्ट्रक्चर्स में देख रहे होंगे कि ये जो हमारा जो ऊपर जो पूरा हॉलो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अम्ब्रेलर। और जो ये हमारा जो रेड का जो थोड़ा कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम हो गया गोनाड्स। एंड देन फिर जो दो लाइंस के बीच में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसका नाम हो गया हमारा मार्जिनल लैपेट। मार्जिनल लैपेट जिस चीज़ से अटैच है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलेरियम नाम दिया है, और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, सीडो वेलम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फॉल्स है, यानी कि इसका जब मूवमेंट जो स्ट्रक्चर्स होता है वो उस तरफ का स्ट्रक्चर्स को वो फॉर्म कर लेगा, यानी कि उसका जो कोई भी जो है फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वो जैसा स्ट्रक्चर चाहिए वो वैसा में फोल्ड हो जाएगा एंड देन वो फॉर्म कर लेगा। अब देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर से जो लटका हुआ है जो शॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स में जो हैंगिंग है उसका नाम हो गया हमारा टेंटिकल्स। एंड देन वो जो दो है जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स में उसको हम लोग कह सकते हैं ओरल आर्म। अब इसका इंटरनल यानी कि फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर्स में यानी कि ऊपर वाले डायग्राम में हम लोगों को माउथ नहीं देखने को मिल रहा था, इसलिए हम इसको क्या किया है फ्रंट व्यू बनाया है ऑरेलिया का, ताकि इसमें हम लोगों को माउथ के बारे में भी आसानी से पता चल सके। तो माउथ देख रहे होंगे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर है जिसमें कि एक रिंग है उसमें चार स्ट्रक्चर्स फ्लोर निकला हुआ है, फिर एंड देन फिर एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है उसको कहते हैं हम लोग माउथ, और जो हमारा जो हैंगिंग है उसको कहेंगे ओरल आर्म्स, और वो जो राउंड है जो ओरल आर्म जिसके अंदर राउंड है वो हो गया हमारा गोनाड्स, और ये सारा स्ट्रक्चर जिसके अंदर राउंड है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सब अम्ब्रेला। और फिर तो बाकी सारा चीज स्ट्रक्चर्स को ऊपर में डील कर ही दी है। आगे हैं द रेडी अलोंग विथ एंगल्स ऑफ माउथ एंड ओरल आर्म्स लाई आर रेफर टू एज पररेडी, हम पहले बात किए थे पररेडी और इंटररेडियल के बारे में, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। कहता है वैसा रेडी यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है अलॉन्ग विथ एंगल्स ऑफ माउथ जो माउथ से अटैच होगा और ओरल आर्म से उसको हम लोग कहेंगे पररेडी। फ्रॉम द एंड ऑफ द टू प्रिंसिपल्स एक्सिस ऑफ द रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी ऑफ द मार्जिनल, यानी कि कोई भी बॉडीज को अगर हम लोग रेडियली सिमेट्रिकल से अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें हम लोगों को पररेडियल देखने को मिल जाएगा। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रेट साइड ऑफ द माउथ आर फोर इंटररेडियल इन पोजिशंस इज नियरली सर्कुलर अपर्चर,
यहाँ पे ये कहला कि कुछ ही दूर में हम लोगों को एक स्ट्रेट साइड माउथ से जो देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4 इंटररेडियल प्रेजेंट रहेगा। तो उसको हम लोग कहें इज ए नियरली सर्कुलर, और उसका डायग्राम कैसा होगा, बिल्कुल सर्कुलर्स में होगा। सर्कुलर स्ट्रक्चर मिल रहा देखने को, वो बिल्कुल एकदम सैलो पाउच होगा, जिसको कि हम लोग सब जेनिटल पिट कह सकते हैं, और वो बिल्कुल गोनाड के नीचे देखने को मिलेगा। और उसका कोई अभी तक जो फंक्शंस नहीं देख अभी तक उसका फंक्शंस नहीं आइडेंटिफाइड किया गया। सब जेनिटल पिट जो है उसके ठीक जस्ट ऊपर में जो है रेड और पर्पल कलर जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोनाड, विच लुक्स लाइक हॉर्स शू शेप। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल हॉर्स शू शेप को तरह देखने को मिलेगा। देर इज नो कनेक्शन बिटवीन गोनाड्स एंड सब जेनिटल पीट, कहता है कि गोनाड्स और सब जेनिटल पीट में कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वो सब सिर्फ जो स्ट्रक्चर से एक जस्ट ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर से वो वैसा ढाला गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियोज में इतना ही, आज हम नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों को आगे बताएंगे। थैंक यू।